Hey guys, my name is Kunal. I'm a business coach, public speaker and digital marketer. So guys, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो क्यों है. इसमें बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो क्यों स्लो हो सकती है. हम चार पांच चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये चार पांच चीज़ें ही मैटर करती हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं करेगी. ओके, पहली बात आपकी जो होस्टिंग है, आपने कौन सी कंपनी से ली है, आपने थर्ड पार्टी कंपनी से ली है या आपने शेयर्ड होस्टिंग ली है या आपने किसी दोस्त के सर्वर में से कुछ स्पेस ली है. ओके, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. अगर आपने अपना खुद का सर्वर लिया है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड कभी स्लो नहीं हो सकती. अगेन डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी से आपने ली है. अगर तो आपने गोडेडी कंपनी से ली है तो आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी. रैंक करेगी लेकिन हमेशा आपको दिक्कत आएगी. और मैं हमेशा गोडेडी के अगेंस्ट रहता हूँ क्योंकि मुझे उनकी सर्विस के बारे में पता है. ओके, जहाँ से मैं होस्टिंग प्रेफर करता हूँ गाइज वो है इंटरसर्वर कंपनी. मैं नीचे लिंक दे दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ से ले लेना. आपको वहाँ पे बहुत अच्छी होस्टिंग मिल जाएगी और बहुत सही प्राइस के अंदर मिल जाएगी. ओके, सो होस्टिंग एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो होती है. क्योंकि सारा का सारा जितना भी आपका स्टोरेज होती है, आपका कंटेंट होता है, आपकी इमेजेस, आपका वीडियोस, आपके ब्लॉग्स, आपके आर्टिकल्स, आपकी इमेजेस, जो भी जितने भी तरह का कंटेंट आपका आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टोर होता है वो सारा का सारा होस्टिंग के ऊपर जाके ही स्टोर होता है. एक होस्टिंग ही डिपेंड करती है कि आपकी वेबसाइट का साइज़ कितना है, कितनी उसकी पेज की लोडिंग स्पीड है. ओके, तो ये तो रही होस्टिंग की बात. तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लार्ज इमेज साइज़ के ऊपर. जो आपकी इमेजेस होती हैं, कोई भी लोग अगर स्टार्टिंग में कोई नया SEO है, कोई SEO एक्सपर्ट है या कोई SEO कभी सीख रहा है कोई भी, या अपने आप को बता रहा है कि मैं SEO एक्सपर्ट हूँ, तो आपकी वेबसाइट पे जो जितनी भी इमेजेस होंगी ना वो मोस्टली वो कंप्रेस करके नहीं डालेंगे. या आप भी अगर अपनी वेबसाइट का खुद SEO कर रहे हो तो इमेजेस हमेशा आपको कंप्रेस करके डालनी चाहिए. अगर आपकी इमेज का साइज़ 1 MB का है, 2 MB का है या 5 MB का है तो उसको कंप्रेस करके KBs के अंदर लेकर आओ. 120 KB, 160 KB, 100 से नीचे लेके आओ. ट्राई करो कि उसको 100 KB के नीचे रखो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ सकती है. क्योंकि जितना ज़्यादा हाईली साइज्ड कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट टाइम लेगी लोड होने में और उतना ही ज़्यादा चांसेस कम है कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी फर्स्ट पेज के ऊपर, फर्स्ट 10 ऑर्गेनिक लिस्टिंग के अंदर. ओके, तो थर्ड हम बात कर लेते हैं कि जो एक और रीज़न हो सकता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो क्यों है. अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है और उसके ऊपर एड्स आ रही हैं. अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर 3 से 4 से ऊपर ज़्यादा एड्स लगा रहे हो और आपका सर्वर छोटा है, बड़ा आपका सर्वर नहीं है, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड फिर स्लो हो सकती है. क्योंकि वहाँ पे पहले तो आपकी पेज लोड हो रहा है, बैकएंड उसका लोड हो रहा है, प्लस कंटेंट लोड हो रहा है, थर्ड आपकी एड्स आ जाएंगी जो कि एड्स काफ़ी हाईली साइज्ड होती हैं. क्योंकि वहाँ पे जो लोग एड चला रहे होते हैं उन्होंने क्या करा होता है कि फोटोशॉप की फाइल सीधा के सीधा गूगल एड्स के ऊपर जो भी उनका एडवर्ड होता है वहाँ पे उन्होंने अपलोड करी होती है. अब वो होती है 2-3 MB की हो सकती है इमेज, है ना, तो वो सारा का सारा साइज आपकी वेबसाइट के ऊपर ही आके उसको लोड करना होता है क्योंकि उस एड का बैकएंड जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही स्टोर है. ओके, तो वो जैसे लोड देगी, मान लीजिए आपकी वेबसाइट के ऊपर पूरा आपकी वेबसाइट का साइज़ है 5-6 MB का और 2-3 MB की वो एड ही है, है ना, और आपने वैसे 4-5-10 ऐड लगा रखी हैं तो कितना हो गया, 20 से ऊपर चला गया, 30 से ऊपर चला गया, तो टाइम वो लेगा ही लेगा अगर आपका सर्वर छोटा है. तो ट्राई करो कि कम एड्स रखो और अगर एड्स रख रहे हो तो सर्वर उसको बड़ा रखो, तभी आपकी वेबसाइट जो है फास्टली लोड होगी. ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम बात कर लेते हैं, वो है विजेट्स और प्लगइन्स. आपने कितने ही बिना यूजेबल जो आपके यूज़ में कभी आते ही नहीं है प्लगइन्स, जो अनवांटेड प्लगइन्स होते हैं, एंटी स्पैम हो गया, ये सब चीज़ें जो आप एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो जो एक कस्टम आपके अंदर जो पहले से ही आपके जो प्लगइन्स इंस्टॉल हुए होते हैं तो उनको आपको डिलीट नहीं करना है, आपको डीएक्टिवेट कर देना है. मोस्टली जो लोग गलती क्या करते हैं कि प्लगइन्स को डिलीट करना स्टार्ट कर देते हैं. नहीं, डिलीट मत करो, इन फ्यूचर फिर भी वो कभी काम आ सकता है, या डिलीट कर भी दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि वो कौन से पेड हैं, फ्री प्लगइन्स हैं. तो चाहे उसको डिलीट करो चाहे उसको डीएक्टिवेट करो, लेकिन जो फालतू के प्लगइन्स हैं जो कभी यूज़ में नहीं आते आपके उनको डीएक्टिवेट कर दो. कितने ही ऐसे प्लगइन्स होंगे जो आपने इंस्टॉल करके रखे होंगे लेकिन उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो इस तरह के प्लगइन्स को आपको हमेशा डीएक्टिवेट या डिलीट करके रखना है. फालतू के प्लगइन्स जितना ज़्यादा अपनी वेबसाइट का साइज़ बढ़ाओगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपकी वेबसाइट कम स्पीड में लोड होगी, और जितना ज़्यादा टाइम वो लेगी लोड होने में और उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी. ओके, लास्ट हम बात कर लेते हैं लिंक्स के बारे में जो कि एम्बेडेड वीडियोज़ होती हैं. मैंने बहुत लोगों की ऐसी वेबसाइट के ऊपर गलती है देखी है कि जब भी वो कोई वीडियो डालते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वो क्या करते हैं कि वो वीडियो को ही डाल देते हैं. अगर मान लीजिए मैंने अपनी कोई YouTube की वीडियो मेरी वेबसाइट के ऊपर डालनी है, मेरी kunalmadan.com जो मेरी वेबसाइट है, मुझे वहाँ पे मेरी कोई वीडियो डालनी है, तो मैं वहाँ पे ये जो मेरी वीडियो बन रही है
इसका साइज 4 से 5 GB का साइज होगा, तो मैं 4 से 5 GB की वेबसाइट वहाँ पे कंप्रेस करके नहीं डालूंगा। अगर मैं कंप्रेस करके डालूंगा भी तो कितना कंप्रेस हो जाएगी, 4 से 5 GB की 100 MB तक आ जाएगी, 50 MB तक आ जाएगी, लेकिन फिर भी 50 MB बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग क्या करते हैं, वीडियो को कंप्रेस कर करके उसकी क्वालिटी ख़राब कर करके उसको अपनी वेबसाइट पे डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गलत तरीका है। आपको हमेशा लिंक के थ्रू ही अपनी वेबसाइट वहाँ पे इंसर्ट करनी चाहिए, ओके। या जो मोस्टली एक और चीज़ को गलती करते हैं वो है GIF, जो कि GIF GIFs होते हैं, तो लोग वो वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक उनकी कोई सेंस नहीं बनती, अगर कोई डाल भी रहा है तो मैं पहली बात कि उसको डालने की कोई सेंस नहीं है, अगर कोई डाल रहा है तो उसको हमेशा कंप्रेस करके ही डालो जिसको भी, ओके। तो ये थे 4 से 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ों की वजह से आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो हो सकती है। तो ट्राई करो इन सभी को आप रिजोल्व करो, अपनी होस्टिंग अच्छे सर्वर से लो, अपनी होस्टिंग अच्छी कंपनी से लो, अपनी जो लिंक्स हैं उनको मैनेज करो, अपनी जो इमेजेस हैं उनको कंप्रेस करो, प्लस आपका जितना जो एड्स वगैरह है उनको कम करने की कोशिश करो, और जो आपके प्लगइन्स वगैरह हैं जो फालतू के जिनको आप यूज़ नहीं करते हो उनको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करो, ओके। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस साइड कुणाल, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।